जय हिंद दोस्तों, जय माकल में आपका दोस्त बीरेंद्र सिंह स्वागत है आपके क्षेत्र प्रणाम के अगले बहस में। दोस्तों आज हम जानेंगे कपालभाति बैठक लगाने के क्या फ़ायदे रहेंगे। नॉर्मल बैठक अगर आप लगाते हैं तो आपको उसके अचंभित करने वाले फ़ायदे पहुँचते, लेकिन उसके अंदर अगर अपन मिलाते हैं योग और उसके बाद लगाते हैं कपालभाति बैठक, तो उसके फ़ायदे आज अपन जानेंगे। और साथ ही साथ हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, आप कुछ भी अभ्यास करने से पहले आपके लंगोट धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहला कार्य, उसके बाद वार्म अप, मुद्गर से वार्म अप कैसा करना इसका मैंने वीडियो डाला हूँ पिछले वीडियो में, इसका लिंक भी डाल दिया हूँ मैं ऊपर, और चैनल के एंडिंग में भी इसका आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। कपालभाति बैठक यानी बैठक क्या चीज़ है पहले आप ये जानिए। दंड बैठक अलग चीज़ है, दंड और खा सिर्फ बैठक अलग चीज़ है। कई सारे लोग इसको दंड बैठक बोल के बैठक को सिर्फ दंड बैठक करते हैं, लेकिन दंड अलग चीज़ है, बैठक अलग चीज़ है। दंड आपके अपर बॉडी के लिए काम आता है और बैठक आपकी लोअर बॉडी के लिए काम आता। एक बात याद रखिए दोस्तों, आपकी बिल्डिंग चाहे 100 मंजिला इमारत क्यों ना हो, जब तक उसका बेस यानी पिलर सही नहीं है, वो बुनियाद सिर्फ छोटे मोटे भूकंप से गिर जाएंगी। अगर वही इसकी बुनियाद नींव बहुत अच्छे से लगी हुई है तो उसको धक्का भी ना लगेंगे, यानी घर जितना बड़ा रहेगा उससे ज़्यादा मजबूत उसका पिलर रहेगा। तो अपनी बॉडी कितनी भी अच्छी खूबसूरत क्यों ना रहने दो, जब तक आपके पैरों में जान नहीं है, आपका जिस्म के अंदर बैलेंस नहीं रहता। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं जल्दी से और जो वज़न अपना घटाना चाहता है तेज़ी से, फैट लॉस और मसल गेन जो करना चाहते हैं, वो बैठक लगाने से उनको इसका फ़ायदा पहुँच जाएगा। और उनको जो भी प्रोटीन सिंथेटिस जो कि अपन जो भी खा रहे उसको पचाने में अपना सहायक रहता है, जो कि सिर्फ मात्र आपको बैठक लगाने से ही प्रोटीन सिंथेटिस आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे, बढ़ाने की क्षमता प्रदान करें। आप देखेंगे कई सारे पहलवानों को, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी देखेंगे कि उनका पैरा उनका जिस्म एक अलग ही खूबसूरती देता रहता है, और यही प्रोटीन सिंथेसिस को आजकल बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स के रूप में ले रहे, जो कि दवाइयों के सहारे आपको सपोर्ट करता कुछ भी खाया पिया पचाने के लिए। लेकिन अगर अपन बैठक लगा रहे अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, अगर अपन बैठक लगा रहे अपने जो भारतीय पारंपरिक बैठक है, अगर वो बैठक के लगा रहे अपन, तो अपने बॉडी के अंदर वो सिंथेसिस खुद ब खुद बढ़ेगा, नेचुरल वे में बढ़ेंगे। और आप जो भी खा रहे पी रहे, यानी आप अगर इसको खड़के हुए बिना मेहनत के अगर आप क्या दूध भी पी रहे तो उन्हें हजम नहीं होगा, और अगर मेहनत करके आप सिर्फ गर्म पानी भी पी रहे तो उसको आपको दूध से ज़्यादा असर करेंगे। यानी अगर आप अपने जिस्म को अच्छे से पसीने में नहा के बैठक लगा रहे तो उसका रिजल्ट आपको अचंभित करने वाला मिलेगा। ज़्यादा नहीं, आप लगातार इसको एक महीना भी कर सकते हैं, ऐसा तो लाइफ लॉन्ग करना, लेकिन एक महीना भी कर सकते। तो ये देखिए आपको बताता हूँ सही तरीका इसको लगाने का। लगाने के लिए जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, लंगोट पहनना ज़रूरी, उसके बाद बॉडी में हीट आना ज़रूरी, उसके बाद ही इसका अभ्यास करिए। कई सारी जगहों पर देखता हूँ मैं लोग इतना बैर दूर दूर फैला करके बैठक लगाने का अभ्यास करते हैं, ये समझ में नहीं आता, ये क्या रहता समझ में नहीं आता। जब आपके पैरों का दूरी, आपके पैरों का गैप, आपके शोल्डर यानी आपके कंधों के जितना आपके कंधे हैं उतना ही रहना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये पैनर जॉइंट दोनों कर ले के बाद इसको इधर से खोलिए, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अंदर दो लगा सकते हैं बैठक, या तो पलट के लगाने का अभ्यास थोड़ा कठिन, जैसे कि ये इसके अंदर 200 भीम बैठक भी इन्वॉल्व हो जा रही, मेरा पिंडली ऊपर की ओर उठ रहा, एड़ी जमीन को नहीं लग रही, ये देखिए। इसको मुद्गर से कैसा करना वो बताता हूँ मैं आपको अभी। अगर दोस्तों ये देखिए, ये अपना प्राचीन भारतीय कपालभाति बैठक, जिसके अंदर अगर मसल की बात करें आप तो लोअर बॉडी के ग्लूकोट मसल, हैमस्टर, काफ्स और आपके घुटने के लिगमेंट्स, आपकी बैक, आपके एब्स,
आपके शोल्डर, यानी जितने आपके बड़े मसल है लोअर बॉडी के, सबसे बड़े मसल रहते हैं लोअर बॉडी के, सभी मसल इसके अंदर आ जाएंगे। साथ में आपको बटक्स, साथ ही साथ पलटो आकाश, पलट के मारो मारो। ये देखिए कमर आपका पोस्चर एकदम सही रहेगा, साथ ही साथ आपका फोरआर्म, आपका शोल्डर, आपका अपर चेस्ट, बॉडी पोस्चर, सिग्मेटर बॉडी पोस्चर। देखिए दोस्तों, ऑफिस के अंदर वर्क करने से ज़्यादा लोगों का बॉडी पोस्चर आज की डेट में ऐसा है, वापस से उनका बॉडी पोस्चर ऐसा हो जाएगा, एकदम कमान पट्टी सीधा। आकाश, इसको लगाने का सही तरीका, मुदगर लिए आप, मुदगर लेने के बाद ये देखिए श्वास खींचे, श्वास फेंकते हुए बाहर बैठक लगाना है आपको। बैठक लगाने के बाद में भी सांस छोड़ने का कंटिन्यू छोड़ते रहना है आपको। नॉर्मल कपालभाति ये इतना ही है, इसको ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, लेकिन क्षत्रिय प्रणाम की कपालभाति कुछ इस प्रकार है। जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरे को 3 से 4 सेकंड का समय लग रहा है एक कपालभाति मानने को, ज़्यादा भी लगता 5 से 8 सेकंड भी जाता, 10 सेकंड भी जाता, यानी कंटिन्यू लगातार आपको श्वास आपकी बाहर फेंकते रहना है मूल बंद लगाकर। देखो दोस्तों, कभी भी खुद से चीट नहीं करना, और कपालभाति जब मार रहे आप तो पूरी ईमानदारी से मारना, बैठक पूरी ईमानदारी से मारना। ये अभ्यास एक हवन के जैसा है, एक यज्ञ के जैसा है। अपना टारगेट है अगर अपने को 1 महीने के अंदर अपने को 400 से 500 बैठक मारने का अगर अपन संकल्प कर लिए, तो वो संकल्प छूटे जब तक, तो संकल्प पूरा हुए तब तक आपको पीछे हटने का नहीं है। एक यज्ञ के भांति आपको लगातार इसके अंदर आहुति डालते रहना है कपालभाति की बैठक की। ये देखिए, तो दोस्तों ये तो क्षत्रिय प्रणाम की कपालभाति, जिसके अंदर आपको देखिए ध्यान रखिए, आपको पैर दूर ज़्यादा करने का नहीं है, आपको 100-100 किलो वजन डाल लेके चुप टाइम पास करने का नहीं है, ये खुद से धोखा देने की बात है। आप पैर इतना दूर रख के बस आप इतना बैठ रहे हैं, मैं 100 किलो मार रहा हूँ, मेरी एज 60 है फिर भी मैं 100 kg से लिफ्ट कर रहा हूँ, ये बात गलत है, ये खुद से धोखा दे रहे हैं आप। सही तरीका आपको आपके शोल्डर के लेवल में रहना, पैर ये गए नीचे, उसके बाद आप 10 किलो भी उठा के बता दीजिए, मान जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो दूसरे लोग बताते कपालभाति, ये भी नहीं करना है, कहीं आप जाएंगे जल्दबाजी में ये भी नहीं करना है, हमेशा मूल बंद लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सांस आपको फेंकना है, सांस फेंकना रुकना ही नहीं। जैसे लंबी डीप ब्रीथ खींचते आप, वैसे ही सांस फेंकना आपको, रोकना नहीं है। प्रयत्न करूंगा मैं कि माइक से आपको बताऊं सही सांस मेरी आ रही क्या, एक बार नोटिस करिए आप। अगर मेरी आवाज़ आ गई आपको सांसों की, तो बहुत अच्छी बात है। मूल बंद लगाते हुए बैठते हुए मूल बंद लगाना है आपको, मूल बंद लगाने के बाद में श्वास लगातार बाहर फेंकते रहना है, उसके बाद आपके पेट को आपको अंदर ले जाना है, जिसका लाभ आपको अचंभित करते रहना। अच्छा, एक बात और दोस्तों, यह अभ्यास करने से पहले अपने जिस्म को सुडौल बनाने के लिए, ताकत एक बैल की तरह लाने के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए जो अपने जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाना चाहते, और जो कुछ गलतियां रहती जवानी में, वो चीज़ों से बाहर आने के लिए, ब्रह्मचर्य को बढ़ाने के लिए, आप एक चीज़ का सेवन कर सकते हैं जो कि है नंदी अर्क। चलो ये देखें दोस्तों,
5 से 10 ml आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये प्योर नंदी अर्क है ग्लासो। यह बैच शुरू होने से पहले अगर आप 1 से 2 ढक्कन इसमें डाल लिए, पानी डालो थोड़ा, इसको दो तरीके से ले सकते हैं। जो पुराने मतलब जो गवर का क्या है मालूम है, इसको हल्दी के साथ ले सकते हैं। जिनको नहीं मालूम वो लोग इसको गुलाब से ले सकते हैं। दोनों भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये है प्योर नंदी का अर्क। अभ्यास शुरू होने से पहले आपको लेना है, इसका सेवन करना है नहर पर, यानी कुछ भी नहीं खा के पी के रहना। ये नंदी अर्क पीने के 10 मिनट के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, 20 ml ही चाहिए बस, ठीक है। ये हल्दी वाला फ्लेवर है जो कि आपको तरोताज़ा रखेगा, चेहरे पे आपके कभी पिंपल नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपके जिस्म में गर्मी बना के रखेगा, और बैल के अंदर जितनी ताकत रहती उतनी ताकत आपको प्रदान करेंगे। तो ये बढ़ते हैं इसके और लाभ जानते हैं। लोढ़ा का शुमारो मेटाबॉलिज्म इससे आपका इससे स्ट्रांग होगा दोस्तों। और इसके अंदर अगर जिस्म की बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जब मूलबंध लगा रहे आप, तो आपके पाइल्स लाइफ में नहीं आएंगे। आपको मसालेदार चीज़ें तो खाना नहीं कभी भी, और गलती से अगर पाइल्स आ गए तो अभ्यास करने के बाद गाय के दूध में थोड़ा सा नींबू डाल के निचोड़ के पी लीजिए, आपके पाइल्स 3 दिन में ख़त्म, यानी एकदम साफ हो जाएंगे। साथ ही साथ जिससे टेस्टिकल्स और टेस्टोस्टेरोन ज़बरदस्त हो जाएगा। आप जितने दिन कर सकते हैं अभ्यास, ये करने के बाद में भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर और पोस्चर कभी ख़राब नहीं होगा। जो दुर्बल है यौनता से, इससे उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलेगा। जिनको बच्चे नहीं हो रहे, बहुत जल्दी इनका रिज़ल्ट उसको सामने मिलेगा। हार्मोनल चेंजेस जो होते रहते लेडीज़ में, माताएं बहनों के अंदर, वो भी इससे इनको बैलेंस में आ जाएंगे। क्रिएटिन लेवल, किडनी की अगर बात करें तो क्रिएटिन लेवल लो होगा इससे, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। नॉर्मली जहाँ तक देखते हैं आप 13, 14, 17 के अंदर रहता, हीमोग्लोबिन इससे बढ़ जाएगा आपका। जब तक आप ये अभ्यास करते रहेंगे 17, 18, 19, ज़्यादा भी नहीं, 17 के तो ऊपर ही बताएंगे आपको हीमोग्लोबिन। कोलेस्ट्रॉल लो करेंगे आपके बॉडी के अंदर, आपके नस नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है, जो ब्लॉकेजेस आने के चांसेस रहते हैं। कई सारे युवाओं को यंग एज में ही कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आ रही, तो इससे ये दूर होता है हमेशा के लिए। और साथ ही साथ HDL इंक्रीज होता है इससे। ये अभ्यास के बाद जो स्वस्थ है वो थोड़े से बादाम और अखरोट खाइए भिगो हुए, उसको रोस्ट नहीं करना, उसको तलना नहीं है, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल आएंगे आपकी बॉडी में। अगर इसको आप भिगो के खा रहे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, जिससे आपको रोगों से लड़ने की ताकत आएंगी, ठीक है। लीवर की अगर बात करें तो फैटी लीवर इसका कम होगा, जिसको लीवर में सूजन है, जिसको उल्टी ज़्यादा आती, लीवर स्वस्थ रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन की जिसको शिकायत रहती, खाना हजम नहीं होता, मोशन जल्दी से नहीं आता, फ्रेश नहीं आता, और तकलीफ होती, ज़्यादा बाथरूम में उनका समय गुजर जाता, उससे इनकी शिकायत दूर रहेंगी, आपको जल्दी से आ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। वॉशरूम में गए, फ्रेश हो गए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगते बस वॉशरूम में, उतना ही समय लगना चाहिए, बास नहीं आना चाहिए, ठीक है। पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम, जिसको इंसुलिन का बॉडी के अंदर ज़्यादा कम हो रहा, पैनक्रियास शुगर की माँ है, डायबिटीज़ की माँ है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 के कारण आपका पैनक्रियास, इम्यून सिस्टम इससे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैनक्रियास की आपको जो शिकायत रहती, वो पैनक्रियास की शिकायत भी इससे दूर हो जाएगी, शर्त आप इसको सही तरीके से लगाना। जैसा मैं आपको बताया, हमारा ब्रह्मचारी नया है, तो इससे जितना हो सका ये कर रहा है, जितना ज़्यादा होल्ड करो आकाश, नीचे सांस ज़्यादा फेंकते रहो, और ये लगाने से आपके लाइफ में आपको कभी भी थायराइड नहीं आएगा। थायराइड के साथ साथ थ्रोट कैंसर या गले से जितने भी संबंधित रोग है आपको लाइफ में कभी भी नहीं सताएंगे। एक बार मैं इसको करके बताता हूँ आपको।
लो एक बार फिर से देखे दोस्तों, हमारा ब्रह्मचारी थोड़ा नया तो फास्ट फास्ट मारा ये कपालभाति बैठक जिसका अभ्यास है और फायदे हैं अनेक। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, और वार्म अप का वीडियो ये रहा आपके लिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।